पिछले चौदह महीने से मैं घर से काम कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम आई एम लाइकिंग इट वेरी मच इस तरह से मेरा शेड्यूल है कि मैं सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक लगभग लग दस घंटे ऑफिस का काम करता हूँ उसके बाद एक घंटे का ब्रेक लेता हूँ सेवन टू एट और उसके बाद आठ से ग्यारह या बारह बजे तक जो हम लोगों ने यह नया शुरू किया है यूट्यूब उसके बारे में रीड करना उसके बारे में पढ़ना उसके बारे में रिसर्च करना एडिटिंग करना और बहुत सारी चीज़ें विच इज़ रिलेटेड टू दीडियो एडिटिंग एंड ऑल विच आई डू तो ऑफिस के दस घंटे और ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है यूट्यूब उसके चार घंटे ऐसे कुल मिला के चौदह घंटे दिन में मैं काम करता हूँ और ये वर्क फ्रॉम होम ने मुझे क्या दिया तो ये वर्क फ्रॉम होम ने मुझे तीन गिफ्ट दिए वो गिफ्ट इस तरह से है एक मेरा नेक पेन आई हैव अ नेक पेन माय बैक पेन एंड देन आई हैव अ ग्रोइंग पेन सो वर्क फ्रॉम होम ने मुझे ये तीन चीज़ें दी जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ जब मैंने एक्चुअली इनिशियली सोचना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे हेक्टिक शेड्यूल की वजह से शायद से ये सब हो रहा है इनिशियली मैं यही सोच रहा था लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट इज़ अ हाफ ट्रूथ दम्प्लीट ट्रूथ इज कि काम तो मैं पहले भी कर रहा था मतलब ये चौदह महीने से पहले वर्क फ्रॉम होम शुरू करने से पहले से मैं यही वर्क लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ लगभग लास्ट पाँच या छः सालों से उस टाइम पे दस घंटे ऑफिस का काम उसके बाद घर पे आके तीन या चार घंटे का काम चेयर पे बैठ के मतलब कभी मुझे कोई पेन नहीं हुआ ना नेक पेन ना बैक पेन ना ग्रोइंग पेन तो ये सब अभी क्यों हो रहा है और मुझे रियलाइज़ हुआ बस एक चीज़ चेंज हुई है इसमें वो ये कि ऑफिस का दस घंटे का काम तो उसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं वो तो मैं करता भी था तो ऑफ़िस जब मैं जाता था तो मैं एक चेयर यूज़ करता था वहाँ पर वो है हवर्थ का चेयर हवर्थ फर्न चेयर जिसके ऊपर मैं आज बैठा हूँ ये चेयर मैं ऑफ़िस में यूज़ करता था वो पाँच छः साल यूज़ किया मैं चेयर घर पे आने के बाद जो मेरे हर वीडियो में आपने चेयर देखा है गेमिंग चेयर जो मेरे पास है वो गीगाबाइट बाइट का गेमिंग चेयर है तो बेसिकली गेमिंग चेयर यूज करता था मैं तो चार घंटे गेमिंग चेयर के ऊपर और दस घंटे ऑफिस चेयर के ऊपर इस तरह से मेरा वर्क कल्चर था लेकिन अभी इक्वेशन चेंज हो गया पूरी तरह से अभी चौदह के चौदह घंटे मैं एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठता हूं। वो है गेमिंग चेयर दिस इज मेन चेंज और ये गेमिंग चेयर ने मेरी लाइफ मिजरेबल कर दी अभी जो चेयर है जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वो है हबर्थ का फर्न चेयर तो ये चेयर ने मेरे काफ़ी ऑलमोस्ट जो मेरे बैक पेन नेक पेन रोइंग पेन के जो प्रॉब्लम्स है ये ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए हैं लेकिन ये चेयर के ऊपर बात करने से पहले मुझे सबसे पहले गेमिंग चेयर के ऊपर सो कॉल्ड गेमिंग चेयर के ऊपर बात करना है आई थिंक एटलीस्ट इन इंडिया गेमिंग चेयर इज बिगेस्ट स्कैम गेमिंग चेयर्स आर ऑल अबाउट द लुक्स स्टनिंग लुक्स टेन आउट ऑफ टेन मार्क्स उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन आते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन अ मार्केट टू बाय अ नॉर्मल चेयर एनी रैंडम नॉर्मल चेयर एंड इन दैट शॉप इफ यू सी द गेमिंग चेयर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बाय अ गेमिंग चेयर इफ इट इज इन योर बजट डेफिनेटली विल बाय अ गेमिंग चेयर बिकॉज उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन आते हैं द शाइनी ऑयली प्लास्टिक की लुक जो दिया जाता है लाइक ब्राउन कलर द ऑरेंज कलर such kind of colors which is almost impossible to get in any other normal fabric chair it's not possible so aesthetics let me tell you when i first saw my gaming chair i was completely sold i was like no i want to buy this at any cost so that's how it is i spent 25k on my gaming chair by expect, by hoping that this will be a great chair it will help me but the same aesthetics create a problem for you why do you have a Why those aesthetics are there with the gaming chair, not with something else? Because they use a PU leather. That PU leather, the same aesthetics, creates a problem for you. How? Because PU leather doesn't breathe. It can't breathe. It's not a breathable material. हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर मैं common average temperature भी पकड़ के चलूँगा तो it will be always 25 degree के। अब वो हमेशा हम लोग रहते हैं। I say country में हम लोग रहते हैं। समर में तो कहीं कहीं जगहों पे नॉर्थ में आप जाओगे तो 40 डिग्री तक टेम्परेचर निकल जाता है महाराष्ट्र में भी कम से कम अगर नागपुर वगैरह एरिया पकड़ोगे तो 40 अबोव टेम्परेचर निकल जाता है तो ऐसी कंट्री में हम लोग रहते हैं जहाँ पर हमेशा ट्वेंटी डिग्री अबो सेल्सियस का क्लाइमेट है हमारे इधर ये कॉमन है और अगर ऐसे चेयर के ऊपर आप बैठते हो जो पी यू लेदर है चौदह घंटे इट कॉन्ट ब्रीथ सो लेट मी टेल यू योर एंटायर लोअर बैक ओके okay, वो वेट हो जाता है पूरी तरह से आप स्वेट करना शुरू कर देते हो इचिंग होना शुरू हो जाता है लिटरली ऑन सच अस्थेटिक्स शाइनी चेयर आई यूस्ट टू पुट ऑन अ टॉवेल ऑन माई सीट एंड देर आई यूस्ट टू सेट इज एन दैट चीप इट वॉज राइट बिकॉज आई स्पेंड ट्वेंटी फाइव इट फॉर दस्थेटिक्स एंड आई नीड टू हाइड दोस्थेटिक्स नाउस बिकॉज आई एम स्वेटिंग दैट्स द थिंग so that is the biggest problem PU leather have that's it that is a very big problem because PU leather I don't think it is good for the India PU leather that is one second the same PU leather कुछ भी नोकीली चीज सहन नहीं कर सकता नॉट ईन यूर नेल्स आपके फिंगर नेल्स के बारे में बात करूँ नॉट योन यूर फिंगर नेल्स अगर आपके पैरों के नेल्स कुछ भी इसको टच करेगा तो पी यू लेदर स्क्रैच होगा वो उधेड़ना शुरू हो जाएगा दिस इज द रियालिटी ये होगा नो मैटर विच ब्रांड पी यू लेदर यू आर यूजिंग इफ इट इज अ पी यू लेदर दिस इज वॉट इज गा हैपन विथ यू सो द सेम अस्थेटिक्स पीयू लेदर जो प्रोवाइड करता है जिससे वो शाइनी अमेजिंग लुक दिखता है लेकिन यह सेम पीयू लेदर की यह डिसवान्टेज है यह आपको कोई बताएगा नहीं मार्केटिंग वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगा आपको अगर आप किसी फ्रेंड से पूछो कि जिसने गेमिंग चेयर खरीदा है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं 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 मैंने गलती किया खरीद करके नहीं बोलेगा वो हमेशा यही बोलेगा नो इट्स गुड इट्स गुड बिकॉज ही डज वॉन्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी विच इज यू नो ही मेड अ मिस्टेक ही डज वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट सो द सेम अस्थेटिक्स फॉर विच यू बाय अ गेमिंग चेयर वोंट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग दैट्स द रियलिटी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द

आपको पिलो दिया जाता है अभी आप पिलो आप आपके लंबार सपोर्ट के लिए बैक के लिए पीछे आप रखते हो अभी वो पिलो इतना बड़ा होता है उसका कुशन इतना बड़ा होता है जहाँ पर बैठते हैं वो सीट की जगह खाना शुरू करता है तो इसकी वजह से होता क्या है वो पिलो तो आपको पीछे चाहिए उसके बिना आप लंबार सपोर्ट के बिना रह नहीं सकते हो तो ऑब्वियसली आपको सीट मतलब आप जो है फॉरवर्ड पोजिशन में बैठते हो तो उसकी वजह से आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आप पूरी तरह से लूज़ करते हो उसकी वजह से आपको ग्रोइंग पेन शुरू हो जाता है दैट इज वॉट एग्जैक्टली हैपन विथ मी बिकॉज ऑफ दैट पिलो ऑल राइट देर इज वन मोर पिलो दे गिव यू एंड दैट इज टू रेस्ट यूर हेड और काइंड ऑफ नेक यहां पे रखते हैं हम लोग उसको राइट द एंटायर मेकानिजम सो फ्लम एट दैट वो पिलो जो है वो आपको कनेक्ट कैसे करते हो वो इलास्टिक से कनेक्ट करते हैं अभी इलास्टिक है सो नेचर वाइज इलास्टिक लूज करेगा उसका टेंशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लूज करेगा तो ये जो पिलो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये इतने लूज हो जाते हैं कि आप वो जो पिलो है वो आपको सपोर्ट करने की जगह पे आपको पिलो को सपोर्ट करना पड़ता है हमेशा ये सब चीज़ें करके तो इसके ऊपर रिजोल्यूशन क्या है इसके ऊपर रिजोल्यूशन बहुत सिंपल है वो दोनों पिलो निकाल के रख दो राइट और उसके बाद अपने काउच पे जाओ काउच से अपना पिलो जो घर पे रहता है वो उठाओ और वो अपना लुम्बार सपोर्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दो मतलब नीचे टॉवल रखना है पीछे आपको आपके घर का पिलो रखना है तभी जाके आप सस्टेन कर पाओगे तभी जाके आप इस चेयर के ऊपर चौदह घंटे बैठ पाओगे इस अंडर एंटायर थिंग इज जस्ट अ जोक फॉर ट्वेंटी फाइव के अराउंड और फिफ्टीन के से लेके फोर्टी सिक्सटी के तक के प्राइजेस के मैंने गेमिंग चेयर देखे हर किसी में मोर और लेस यही मेकेनिज्म यूज किया गया है दैट जस्ट अ जोक राइट सो दैट वॉज अबाउट द लंबा सपोर्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक रेस्ट सबसे द फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये जो बैक रेस्ट है कोई भी गेमिंग चेयर का बैक रेस्ट मैंने तो नहीं देखा है जो आपके बैक का शेप लेगा आपका जो स्पाइन रहता है वैसे स्ट्रेट नहीं रहता है दर इज एंगल टू इट राइट यू नो दैट दैट सा योअर बैक इज योअर शेप इज तो आपके जो स्पाइन है उस स्पाइन का शेप कोई भी गेमिंग चेयर नहीं लेता है दैट इज अ वेरी बैड तो वो शेप लेने के लिए आपको हमेशा पिलो यूज़ करना पड़ेगा और जैसे हम उन्होंने बात किया जैसे ही आप वो पिलो एज एन लंबा सपोर्ट यूज़ करना शुरू करोगे उससे क्या होगा आपका सीट जो है उसका जगह कम होगा आपको ग्रोइंग पेन शुरू हो जाएगा मतलब वो पिलो रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम तो बैक का शेप बिल्कुल भी क्योंकि वो स्ट्रेट आते हैं एकदम हर गेमिंग चेयर जितना मैंने देखा है वो हर गेमिंग चेयर एकदम स्ट्रेट आता है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो बैक का शेप नहीं लेता है दैट इज़ वेरी क्रूशियल टेक केयर ऑफ़ योर बैक आई एम टेलिंग यू आई वॉन्ट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन द रीजन आई मेकिंग दिस वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर बैक तो आप इस तरह से चेयर खरीदो जिस जो चेयर आपके बैक का शेप लेगा जो स्पाइन का शेप है वो शेप लेना चाहिए बैक ने बैक रेस्ट ने तो सबसे पहली वो चीज़ नेक्स्ट उसका जो मल्टी मल्टीपोजिशन स्टॉप मैकेनिज्म आता है मतलब आप एक जगह पे लाई रिलाई करते हो रिलैक्स करना चाहते हो आप दूसरा पोजीशन सेट करते हो फिर और पीछे जाता है तीसरा पोजीशन सेट करते हो फिर और पीछे जाता है इस तरह से अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा है दैट इज़ गुड राइट यू कैन रिलैक्स बट नाउ नेक्स्ट मोमेंट यू वांट टू गेट अप यू अपट टू स्टार्ट वर्किंग बट वैन यू गेट अप यूर बैक रेस्ट इज स्टिल एट दट सेम पोजिशन इट वोंट कम अलॉन्ग विथ यू अलॉन्ग विथ यूअर बैक दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम राइट बिकॉज वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ बैक रेस्ट वेर यूर बैक विल बी सपोर्टेड ना आप पोजीशन नंबर तीन पे थे अभी आप खड़े हो गए तो बैक उधर ही है मतलब चेयर आपकी तरफ हंस रहा है देख के हंस रहा है और बोल रहा है कि तू किधर भी जा मैं तेरे साथ नहीं आएगी मैं इधर ही पड़ी हुई हूँ अगर तेरे को मेरे ऊपर लाइटाउन करना है पोजीशन नंबर तीन में आके तू कर सकता है लेकिन अगर तू खड़ा होगा इफ यू गेट अप आई वॉन्ट कम अलॉन्ग विथ यू यू नोट टू गेट मी अप एंड देन यू नोअ रेस्ट यूर बैक ऑन मी तो आपको फिर से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा पोजिशन नंबर वन पे लेके आना पड़ेगा फिर आप काम करना शुरू करें दिस इज वेरी कम्बर सम इट गिवज यूर बैक पेन इट एड्स यूर टू योर बैक पेन फर्स्ट बैक का शेप स्पाइन का शेप मैंने से बैक का स्पेस मतलब स्पाइन का शेप होना चाहिए दूसरा मल्टी पोजिशन स्टॉप जो है उसमें टेंशन होना चाहिए कि आप रिलाई करोगे एक पोजिशन में जाके जैसे ही आप वो टेंशन रिलीज करोगे द बैक शुड कम अलॉन्ग विथ यू ओके मेक श्योर दैट यू हैव दैट सेटिंग

इस टाइप का फीलिंग देने के लिए यहाँ पे वो सपोर्ट देते हैं आपको आपके बैक के दो साइड से तो आप नॉर्मल लाइक like फॉर एग्जाम्पल टाटा हेग्जा जैसा कार अगर आप चूज करते हो अगर आप बैठे हो उसमें दे हैव एक्सलेंट सीट वन ऑफ वन ऑफ द रीज़न आई से दे हैव एक्सलेंट सीट बिकॉज आपके जो बैक है वो बैक के होल्ड करने के लिए दोनों साइड से थोड़ा मैकेनिज्म आता है तो आपको पूरी तरह से होल्ड करता है वो चेयर क्यार में वो बहुत नेसेसरी है राइट right? आपको बैक का वो होल्ड कर सकता है तो आप ड्राइव करते समय आपको वो फीलिंग आता है सेफ का इट होल्ड्स यू बट नॉट वर्किंग राइट गेमिंग चेयर हैज दैट राइट होल्ड्स यू फ्रॉम बोथ द साइड्स इट होल्ड्स यूर बैक इट्स वेरी यू गेट अ कंबल इट इरिटेट्स योर लॉट सो दैट्स द थर्ड प्रॉब्लम विद द गेमिंग चेयर राइट सो वी अबाउट अस्थेटिक्स वी टॉक अबाउट द बैक रेस्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल सीट द सीट सीट के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ऐसा नहीं है कि गेमिंग चेयर के साथ आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता गेमिंग चेयर में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है लेकिन जो पिलो है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वो पिलो आपकी जगह ले, ले लेगा स्पेस खाएगा वो उसकी वजह से आपका अंडर थाई सपोर्ट कट होगा उसकी वजह से आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट ग्रोइंग पेन अगर आप चौदह चौदह घंटे तक बैठने वाले इंसान हो चेयर के ऊपर तो आपको ग्रोइंग पेन स्टार्ट हो जाएगा सो so,

लेकिन वो अप और डाउन करने के लिए जो नीचे स्प्रिंग आता है वो गैस स्प्रिंग आता है वो गैस स्प्रिंग क्या होता है वो मोस्ट ऑफ द गेमिंग चेयर्स में काफ़ी फ्लिम्जी आता है इट्स नॉट दैट ग्रेट तो आप जैसे ही बैठते हो तो ये कार में जैसे आप गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चलाते समय बम्स आता है तो उसकी वजह से अगर वो शॉक से वो काम करना शुरू करते हैं उसकी वजह से आपको एक झूले टाइप वाला फीलिंग आता है द सेम फीलिंग यू विल गेट ऑन अ गेमिंग चेयर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई गेमिंग चेयर आई क्रॉस वेरीफाइड माई फाइंडिंग्स माई एनालिसिस माई रिसर्च विथ अदर गेमिंग चेयर्स माई नेबर हैज अ टू गेमिंग चेयर देर आर टू बॉयज दे हैव देर टू डिफरेंट ब्रांड्स गेमिंग चेयर्स राइट सो आई क्रॉस वेरीफाइड विद दैम माई कलीग्स माई फोर टू फाइव कलीग्स हैज बॉट द गेमिंग चेयर्स आई क्रॉस वेरीफाइड विद दैम एंड विद ऑल द गेमिंग चेयर्स दिस इज द प्रॉब्लम विच यू आर है सो फार एंड विच एम गो नॉट डिस्क्राइब नेक्स्ट और ये सब मैंने जो बोला है ये मैं कंसिडर करके चला हूँ कि ऐसे बंदे वीडियो देख रहे जो दस से चौदह घंटे तक चेयर के ऊपर बैठने वाले बंदे हैं अगर आप ऐसे बंदे हो तो ये आपको एप्लीकेबल है अगर आप लाइक ओनली हार्डली यूर सिट फॉर टू और थ्री आवर्स दैट्स फाइन गेमिंग चेयर विल डू गुड फॉर यू बट नॉट फॉर सम वन लाइक हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिस टाइम ऑन अ चेयर लाइक फोर्टी फिफ्टीन आवर्स ओके सो माई ऑल अडाइस इज बेज ऑन दिस टू थिंग्स नाउ गोइंग नेक्स्ट तो वो आपको होल्ड वो हमेशा से हिलते डुलते रहेगा वो दो या तीन सेकेंड लेगा वो फर्म हो जाने तक जैसे आप बैठोगे वो दो तीन सेकेंड रहेगा आप थोड़ा सा भी मूव करोगे लाइक अभी नाउ एग्जैक्टली आई जस्ट मूव राइट आई वॉज सिटिंग लाइक दिस ना आई चेज माई पोजिशन दैट्स वॉट यू कीप डूंग दैट एंड आई विल डू दैट द गेमिंग चेयर विल स्टार्ट स्पिनिंग इफ यू आर सिटिंग ऑन दाईज पोजिशन सो दैट इज बैड दैट शुडेंट है वो आपके सीट को पोक करता रहेगा हमेशा यू विल गेट इट विल हिट बैक आई मीन आई मीन इट हिट टू योर बैक द स्पाइन राइट right? बिकॉज ये फर्म नहीं है सो दट इज वन द प्रॉब्लम सीट। नाउ द मेन प्रॉब्लम विद द गेमिंग चेयर एंड इज दर्म रेस्ट हाउ आर्म रेस्ट अगर मैं बोलता हूँ तो आपको अप और डाउन करने वाला मेके हर गेमिंग चेयर में आएगा हर गेमिंग चेयर में आएगा ही आएगा राइट right? वो अपर डाउन करने वाला तो अगर आप अप अपर डाउन करने वाला चेयर है वो ऑल गुड लेकिन उसके साथ आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी करने वाला मेकानिज्म आपके चेयर में होना चाहिए प्रॉब्लम क्या होता है अगर वो नहीं है तो क्या होता है

वो तो उसी पोजीशन पे वो तो आपके साथ पीछे नहीं आने वाला है तो उसकी वजह से वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेकानिज़म ना होने की वजह से आपके एल्बोस का जो सपोर्ट है वो निकल जाता है उसकी वजह से क्या होता है आपका जो पूरा बॉडी का ये जो वेट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेट आता है आपके हाथों तक वो आपका पूरा वेट जो है अभी आपके शोल्डर्स को उठाना पड़ता है कंटिन्यूसली वो आपको इस तरह से उठाना पड़ता है यहाँ पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है और अगर आप ज़्यादा टाइम पे बैठोगे तो वही आपके नेक तक जाएगा और एट द एंड वो पाइन तक जाएगा तो बेसिकली आपका एंगल तैयार हो जाता है और आप इस पोजिशन में बैठना शुरू करते हो वेर एज यू शुड बी लाइक फर्म यू शोल्डर शुड बी लाइक स्ट्रेट राइट बट यू फील लाइक दिस राइट तो आपको आप ऐसा ऐसा बैठ के देखिए आप, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद तो उसकी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेकानिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है

इवन द हारमन मिलियर का जो गेमिंग चेयर है सबसे बेस्ट वाला जो उनका, उनका उसका इंडिया में प्राइज है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड उसका भी मैकेनिज्म आप देखोगे तो उसका मैकेनिज्म इनवर्ट आउटवर्ट है लेकिन सो वियर तरीके से दिया डिजाइन किया गया मेरी एक फ्रेंड के पास वो है चेयर वो आई एम टेलिंग यू द चेयर इज अ ग्रेट चेयर इज अ ग्रेट बट द आर्म रेस्ट इज अ जोक फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इट कांट सपोर्ट यू यू कॉन्ट सपोर्ट यू आर आर्म्स प्रॉपरली तो इनवर्ड और आउटवर्ड होना चाहिए तो so उसका इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पर काम करता हूँ वो ऑफिस के वजह से मैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन देता हूँ आई टीच अ लॉट सो बेसिकली वॉट हैपन्स नाव ऑल्सो यू कैन सी दैट माई कंप्यूटर इज इन फ्रंट ऑफ मी बट आई एम सिटिंग आई एम टॉकिंग विथ यू इन एंगल आई हैव दिस एंगल सो आई एम नॉट सिटिंग स्ट्रेट राइट समटाइम्स आई नीड टू लुक स्ट्रेट वेल एम डिलीविंग अ सेशन आई एम शोइंग अ डेमो एट द सेम टाइम माई वेब कैम इज देयर आई कीप टॉकिंग द डैम सो आई कीप मूविंग लाइक दिस सो विथ दैट माई आई लूज द सपोर्ट ऑफ़ माई आर्म्स राइट आर्म रेस्ट तो उसकी वजह से अगर आपको इनवर्ड आउटवर्ड है पोजिशन तो अभी अभी आप इस पोजिशन पर चेक करोगे तो नाउ आई है सेट माई दिस लेफ्ट आर्म रेस्ट इन आउटवर्ड पोजिशन मेरा दिस आर्म रेस्ट आई आई पोजिशन इन इनवर्ड डायरेक्शन तो उसकी वजह से मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है सो दो इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी बट मेक श्योर इफ यू हैव दैट दैट इज़ गुड दैट विल भी अमेजिंग Alright, and the last part, and that is in along with this up, down, inward, outward, then forward and backward. Along with that, if you get the tilt mechanism, then it's great. Though it is not very much necessary, but if you have that, then you can sit in any position and your arms will be always have a support. You will never regret that having that feature. So if that feature to great. So this is all about the gaming chairs. और ये मेरा एनालिसिस है ये सब तीन पेन मुझे जो हुए इसका ये एनालिसिस है इन चीज़ों की वजह से हुए तो उसके बाद मैंने मेरे ऑफिस का चेयर ख़रीदा वो है हावर्थ का हावर्थ का फर्न चेयर वो चेयर मैंने खरीदा लेट मी टेल यू फ्रॉम आफ्टर लास्ट टू टू थ्री मंथ्स के बाद जो आई एम यूजिंग दिस चेयर नाउ एंड आई माई मोस्ट ऑफ माई प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व आई वोंट से प्रॉब्लम्स आर डिसअपियर्ड नो इट वोंट एंड एंड इन सच शॉर्ट टाइम इट वोंट बट दवेरिटी तो काफ़ी कम हो चुका है उसका तो उसकी वजह से आई रिकमेंड दिस चेयर फॉर एवरी वन नाउ वाई आई चूज दिस चेयर ओनली वाई नॉट समथिंग एल्स बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस चेयर इन माई ऑफिस फॉर एटलीस्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स एंड नेवर फेस दैट प्रॉब्लम सिटिंग ऑन दिस चेयर फॉर एटलीस्ट फोर्टीन आवर्स अ डे एंड नेवर फेस्ड एनी बैक पेन एंड नेवर फेस्ड द नेक पेन और द ग्रोइंग पेन I Never faced those problems. That's the reason I chosen this chair, and now also I'm telling you after two to three months of my use, most of my problems are resolved. Almost those are resolved. So, let's talk about how these problems are solved by the Howard K. Fun chair. the havardka fern chair let's talk about the aesthetics aesthetics if you ask me i'll still go ahead with the gaming chair because of their pu leather period they look more you know colorful and all as i said it doesn't mean this chair looks bad this chair is equally stunning okay it's just that they don't use the pu leather they use a fabric तो आप अगर उनके कॉन्फिगरेटर पे जाओगे तो ये फैब्रिक के लिए आपको 10 या 12 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा ब्रीदेबल फैब्रिक है कौन सा नहीं है ये वो सब चीज़ें वो आपको देंगे लाइक like बैकरेस्ट के लिए अलग फैब्रिक चूज़ किया जाएगा आपके सीट के लिए अलग फैब्रिक चूज़ किया जाएगा उसमें हर चीज़ में आपको कलर्स मिलेंगे देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन यू कैन स्पेंड द एंटायर डे जस्ट चूजिंग द कलर सो मेनी ऑप्शन दे प्रोवाइड इट्स दैट गुड ईट सो आई हैव ऑप्टेड फॉर अ ग्रीन कलर फॉर माई बैकरेस्ट एंड

और यू कैन गेट अ सिल्वर कलर यू कैन गट प्लास्टिक की ब्लैक कलर यू कैन चूज एन नंबर ऑफ ऑप्शन ऑफ इवन लेट मी टेल यू हैज आपके गेमिंग वेंडर ने गेमिंग चेयर के वेंडर ने आज तक आपको कभी ये पूछा है क्या कि आप कौन सा व्हील यूज करना चाहोगे ये चेयर के ऊपर क्योंकि ये बंदे आपको पूछेंगे वर्थफोन वाले कि आप ये हार्ड फ्लोर पे यूज़ करने वाले हो कि आप ये कारपेट पे यूज़ करने वाले हो अगर आप बोलोगे हार्ड फ्लोर के लिए तो अलग से कैस्टर्स दिए जाएंगे अलग से व्हील्स दिए जाएंगे विचुअली बटरी स्मूथ अगर आप ये कारपेट पे यूज करना चाहोगे तो आपको थोड़े से और अलग तरह के व्हील्स दिए जाएंगे और इतना बटरी स्मूथ मूवमेंट है ये पूरे चेयर का कैस्टर्स का इतने सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे मेरा चार साल का बच्चा ये चेयर के साथ दिन भर खेलता रहता है ओके वेन वेरी गेट्स अ टाइम बिकॉज इट्स सो स्मूद ही फील्स लाइक यू नो प्लेइंग विद दैट द एंटायर डे ही रूम्स विद दिस चेयर लाइक यू नो फ्रॉम दिस रूम टू दैट रूम ही डज दैट सो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो ये बस चेयर को अस्थेटिकली डिजाइन करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरी थिंगटेबल ऑल राइट सो अगर आप एक स्टेचमेंट मुझसे पूछना चाहोगे तो गेमिंग चेयर आर लाइक यू नो आर गोइंग टू द पार्टी देन यू विल चूज वॉट यू वूज अ फॉर्मल यू विल चूज वॉट यूल चूज लाइक फंकी टी शर्ट और फंकी जीन्स वेर आज इफ यर गोइंग फॉर सम मीटिंगल मीटिंग और समथिंग यूल चूज फॉर्म कलर सो दिस इज लाइक हियर दिस अ जीन्स एंड अ फंकी टी शर्ट वेयर हियर इज लाइक यूजिंग अ सूट Or you know, formals, so that's the difference. But this chair looks stunning, all right. That's about the aesthetic. Now, let's talk about the ergonomics. Let's start with the backrest. And Fern chair literally nailed it. Why nailed it? Because first thing first, your backrest, backrest, your spine ka shape, lega. so you don't have to worry at all about the lumbar support or anything, it will take care of your back, all right. Then, uske up, that's the biggest feature, because shape hai. उसके हिसाब से आपके स्पाइन के हिसाब से नेक्स्ट थिंग इज वॉट नेक्स्ट थिंग आपका जो बैक रेस्ट है उसको आपको नॉर्मली मल्टी पोजिशन स्टॉप्स मिलेंगे जो आपको हर गेमिंग चेयर में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे उसके साथ साथ आपको टेंशन एडजस्ट करने के लिए मैकेनिज़म दिया जाएगा मतलब अगर आप पोजिशन थ्री पे रिलैक्स कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन आप मूव होते हो और आप स्ट्रेट होते हो तो आपका बैक गेमिंग चेयर की जगह पर वहीं पर नहीं अटकेगा वो आपको फॉलो करते हुए आपके बैक को फॉलो करते हुए अभी आप जिस पोजीशन में हो वहाँ पे आके आपको बैक को सपोर्ट करना शुरू करेगा दैट्स द मेन थिंग वो जो टेंशन मैकेानिज्म है उसकी वजह से आपका बैक हमेशा सपोर्टेड रहेगा कभी गैप नहीं होगा सो दैट्स द बैक रेस्ट मल्टी पोजिशन सेटअप यू हैव द स्पाइन शेप यू हैव द टेंशन जो बैक रेस्ट का टेंशन है वो एडजस्ट करने के लिए अलग से मेकेानिज्म दिया जाएगा आपको और अगर आप मेरे टाइप वाले बंदे हो जिसको लम्बार लंबार सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है अगर उस टाइप वाले बंदे हो तो आप एक्स्ट्रा लंबार सपोर्ट की डाल सकते हो जो मैंने डाला है दैट इज़ एक्स्ट्रा ओके आप वो एक्स्ट्रा डाल सकते हो मैंने डाला हुआ है लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यू डोंट नीड बिकॉज ये स्पाइन का शेप लेने की वजह से बाई डिफॉल्ट लंबार को सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है इसके अंदर उसके लिए मुझे इलेवन के एक्स्ट्रा पे करने पड़े अगर आप हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करें सो एज आई सेड ट्वेंटी फाइव के मैंने स्पेंड किए थे गेमिंग चेयर के ऊपर ऑलमोस्ट

और आपको सभी फीचर्स मिलेंगे लाइक यू कैन गो ऑन आई चेंज द कलर्स एंड ऑल इफ़ यू डोंट डू दैट इफ़ यू बाय अ स्टैंडर्ड ब्लैक कलर वो आपको घर पे थर्टी सेवन के मी शिप किया जाएगा एटलीस्ट जितना मेरा इंट्रैक्शन हुआ है प्राइजेस हमेशा कम और ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन आप स्टैंडर्ड ब्लैक चेयर खरीदेगे तो थर्टी सेवन के मी आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑलराट एज फार एज आई नो सो ऑल ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने कहाँ से लिया क्या किया फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज ये चेयर कंज्यूमर मार्केट में आपको मिलेगा नहीं लेकिन आप अमेजोन से वगैरह नहीं खरीद सकते ये चीज़ को क्योंकि ये कंज्यूमर मार्केट में ये लोग हैं नहीं तो इसके लिए आपको हवर्थ का मुंबई का जो डिवीजन है वहाँ पे जाइए उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाइए फिर भी मैं एक ई मेल आई जिस बंदे से मैं इंटरेक्ट कर रहा था द सेल्स पर्सन आई विल पुट ऑन हिज ई मेल तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑल नाइस फेलो ही गेव मी लॉट ऑफ डिटेल्स एवरी थिंग हाउ थिंग्स वर्क एंड ऑल ही गेव मी लॉट ऑफ फीडबैक एंड एवरी थिंग ही actually configured this chair for me so I'll give you his number and all that so keep keep that thing in mind all right now this was about the backrest and everything let's move next and let's talk about the seat so seat as I said lumbar support which is not pillow type already seat ko under-thigh support that is one now going next if you को और एक्स्ट्रा चाहिए अंडर थाई सपोर्ट तो आपको जो सीट मेकानिज़म है उसको डीप से डीप जो सेटिंग करने के लिए वो भी सेटिंग दिया गया है डेप्थ वाला सेटिंग भी दिया गया है तो आप चेयर को फॉरवर्ड कर सकते हो सीट को नॉट चेयर सीट को फॉरवर्ड कर सकते हो उससे क्या होगा अंडर थाई सपोर्ट और बढ़ेगा कुछ इंच तक आप चेयर के सीट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड द अंडर थाई सपोर्ट सो उसकी वजह से ये आपको दिया जाएगा सीट के लिए दैट इज द बेस्ट फीचर आई डाउट एनी अदर चेयर प्रोवाइड्स दैट कि डेव वाला सेटिंग दैट इज़ वन सेकंड अप एंड डाउन वाला तो ऑब्वियसली आपके साथ आएगा आएगा और वो जो इतना फर्म आएगा कि वो शॉक ऑफ्जर की तरह काम नहीं करेगा कि आप जैसे ही हिलोगे वो पूरा हिलना शुरू हो जाएगा दैट विल नेवर हैपन हीर इट विल बी वेरी फर्म तो वो आपको uh, मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद आपके अंडर था सपोर्ट अभी आपका प्रेफरेंस है फॉर एग्जाम्पल कि ये सीट जो है ये नॉर्मली वेरी हॉरिजोंटल रहता है इस तरह से लेकिन इफ़ यू वॉन्ट ओके okay, जैसे मैंने बोला आप फॉरवर्ड कर सकते हो बैकवर्ड कर सकते हो तो आई आलवेज इट इन फॉरवर्ड पोजीशन सो दैट आई है मोर अंडर थाई सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड आप वो सीट को थोड़ा सा टिल्ट भी कर सकते हो लाइक फॉरवर्ड टिल्ट यू कैन डू लाइक दिस बाई डिफॉल्ट दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग यू कैन गो डाउन एंड यू कैन सेट इट लाइक दिस सो मेरे जो कुछ कलीग्स हैं वो उस पोजिशन में बैठना सपोर्ट मीन प्रेफर करते हैं उनसे उनको आई मीन दैट देयर प्रेफरेंस सो वो सेटिंग भी है आई डाउट एनी अदर चेयर हैव दैट

गोइंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैकवर्ड वो सेटिंग भी उसके साथ है तो ये सब चीज़ें आपको इस चेयर के साथ मिलता है द चेयर इज अमेजिंग आई एम टेलिंग यू द कॉस्ट लुक्स वेरी हाई लाइक फोर्टी एट के और थर्टी सेवन के बट ट्रस्ट मे टेक केयर ऑफ योर बैक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ चेयर एंड यूर बजेट इज लाइक ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी के यूर स्टक टू दैट आई विल सेव वेट वेट फॉर टू थ्री मंथ्स मोर सेव एंड गो फॉर सच केयर If you are planning to build a work from home setup at your home, spend good amount on your chair because if, if you take care of your back, the back will take care of you. Otherwise, I bought a 25k of a chair and then I spent almost that amount on a doctor, like physiotherapist and all and all. pain who have office ka alag YouTube who alag. मतलब पूरा काम हर्ट हुआ वो, वो अलग पीस ऑफ माइंड गया वो अलग सो इन्वेस्ट इन दैट ओके यू कैन वेट फॉर एग्जाम्पल यू गोना बिल्ड अ कंप्यूटर यू आर प्लानिंग फॉर लाइक थर्टी टू जी बी ऑफर रैम सो आई विल से लाइक इंस्टॉल अ सिक्सटीन जी बी नाव यू कैन इन द टाइम अपग्रेड दैट सेव दैट सिक्सटीन जी बी ऑफर रैम विच इज लाइक टेन फिफ्टीन के इन्वेस्ट इन योर चेयर एंड युअर टेबल सो दोज आर द वेरी मच नेसेसरी थिंग्स सो थैंक्स टू हवर्थ फोन दिस इज अ ग्रेट चेयर आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स इट्स नॉट अ रिव्यू ऑफ लाइक वन मंथ और टू मंथ ऑफ यूज़ मैं ये चेयर यूज़ कर रहा हूँ लगभग पाँच या छः सालों से तो यह पाँच या छः सालों का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया टेक केयर ऑफ योर हेल्थ कोरोना अभी भी है ऑलवेज यूज़ अ मास्क और जब तक जरूरी नहीं है तब तक बाहर मत निकलिए स्टे सेफ टेक केयर थैंक यू आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो